के निकट सहा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कोका कोला कंपनी के अंदर पानी के 20 फुट गहरे टैंक में डूबने से युवक की मौत की सनसनीखेज खबर है। ग्राम सरपंच संजीव सैनी और मृतक के चाचा ने कंपनी संचालकों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। सहा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को टैंक से निकलवाया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सहा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी सरपंच साहब, बताइए कि ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? सर, मैं संजीव सैनी, सरपंच प्रतिनिधि गौरी जोली। जैसे सवेरे 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, मतलब इनके रिलेटिव आता है, एक लड़का है, उसने मेरे को फ़ोन किया कि कोका कोला कंपनी में ऐसे हो गया कि लड़का नहीं मिल रहा। मैंने कहा कहाँ गया? तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन किया कि लड़का मिल गया, टैंक में से मिला है, पानी के टैंक है वहाँ पे, दोबारा बने गए। तो मैंने पूछा कैसे हुआ, वो मेरे बाद में पता लगेगा। तो जब मैं आया यहाँ, आधे घंटे बाद में आ गया, तो इन्होंने कंपनी वालों ने पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दे दी इसका मामले, इस मामले की। कम से कम इनका फर्ज बनता था कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। तो मैंने किसी से नंबर लेके सचिव साहब को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके कंपनी में ऐसे काम हो गया, हमारे काम पर ऐसे एच ओ साहब गए वहाँ, तभी मैं पहुँचा, तभी गए इन्वेस्टिगेशन की। ऊपर देखा, हमने भी देखा कि मतलब जैसे ऊपर अकेले में कोई बंदा जा रहा है, कम से कम कंपनी का नुमाइंदे जो वहाँ बैठे हैं उनको पता होना चाहिए ऊपर गया बंदा, वापस नहीं आया, तो इसमें कंपनी की लापरवाही। बंदा 8 बजे पानी में गया, 7:44 पे वहाँ CCTV कैमरे की फुटेज देखी, 7:44 पे वो गिर गया। लेकिन कंपनी ने ना तो किसी परिवार वाले को ना 12-1 बजे तक देखा ही नहीं, 11:30 बजे तक चार घंटे हुए। हाँ, 4 घंटे बाद पता लगा कि लड़का उसमें गिर गया पानी। तो ये बताओ 4 घंटे में पानी में डूबा बनता, तो टैंक कितना गहरा है? टैंक तो मेरे हिसाब से 20 फुट गहरा है, 20 फुट गहरा टैंक है, और टैंक एक नहीं वहाँ काफ़ी टैंक है। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से, आप क्या चाहते हो? हमारी मांग है, जैसे परिजनों से बात हुई है, गरीब परिवार है, अकेला बेटा था कमाने वाला, और माँ बीमार है, पिताजी भी बुजुर्ग हो चुके हैं। कितने बच्चे हैं इसके? बच्चा एक है, 1.5 साल का, 2.5 साल का बच्चा है, उनके पास कोई जरिया नहीं, इसके अलावा यही कमाने वाला बच्चा था। अगर कंपनी वालों से हम यही मांग करते हैं कि उसको उचित मुआवजा दें, और उसकी जो घरवाली है मतलब मिसिज है, उनकी पेंशन, माँ बाप की पेंशन और बच्चे की पेंशन, हम ये चाहते हैं कंपनी पूरा सहयोग करे और ताकि उनका जीवन यापन ठीक हो सके। आपकी कंपनी वालों से इस बारे में बात हुई है? कंपनी वाले हमारे पास आए थे, पहले तो ऐसे चुनाव को मिल के गए, वो हमें नहीं पता था। उसके बाद उन्होंने FIR की, उसके बाद थोड़ा अमेंडमेंट कराया हमने कैसे भी, उसके बाद कंपनी वालों को पता लग गया कि हमारे खिलाफ़ थोड़ी FIR में कुछ लाइन लिखी, वो फिर आए, फिर उन्होंने मेरे को मिले, वो कह रहे कि 8 लाख मिल जाएंगे, 10 लाख, भाई वो बाद की बात है, पहले कार्रवाई होने दो पोस्टमार्टम की, और जो भी कार्रवाई बनेगी कंपनी के खिलाफ बने या ना बने, हमें कोई मतलब नहीं, ऐसे वो कोर्ट देखेगा, आप थोड़ा रिलैक्स करो। वो आए थे कि फैसला हो जाएगा, फैसला तो मतलब परिजन तो मान ही रहे, तो बोल रहे हैं कि हमें भी लगता है कि अभी कोई आया है उनका परिजन? कौन आया? पिताजी आए हैं। कहाँ है? बाहर। अच्छा, क्या लगता है आपका वो लड़का क्या लगता था? मेरा पिता जी। क्या नाम उसका? रोहित कुमार। आप क्या चाहते हो? चाहते हैं यही कंपनी उनको उचित मुआवजा दे और उनके माँ बाप की पेंशन करे और उसके बच्चे की सुविधा के लिए कुछ और करे, कोई मतलब अच्छा जिससे उसका पालन पोषण सही तरीके से हो सके। मतलब ये लापरवाही है किसी? लापरवाही है कंपनी की, मतलब कंपनी की लापरवाही है जी। कोई भी वर्कर है, अगर उसका वर्कर ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी पे है, और उसको 5-7 घंटे देखा नहीं जाता है, तो मान लो लापरवाही कंपनी की है भी, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अगर समय पे देख लेते तो ये हादसा शायद जान बच सकती थी। रोहित कुमार